और ब्रिटेन की विज्ञान पत्रिका लैंसेट की रिपोर्ट के बाद हड़कंप मचाए। दरअसल भारत में अगस्त तक कोरोना से बड़ी तबाही की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई। 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से कुल 10 लाख मौतें हो सकती हैं। रिपोर्ट में इन मौतों के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार माना गया। सुपर स्प्रेडर इवेंट की चेतावनी के बावजूद धार्मिक आयोजन और रैलियां हुई। कोरोना प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं की गई। दूसरी लहर की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। लैंसेट की रिपोर्ट के बाद ये हड़कंप मचा है ब्रिटेन की। ये विज्ञान पत्रिका है जो सीधे सीधे इस बात का अंदेशा पहले ही जता चुकी थी और अब भी कि भारत में अगस्त तक कोरोना से बड़ी तबाही मचेगी। 10 लाख मौतें 1 अगस्त तक भारत में हो सकती हैं कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी। राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के दर में कमी आई है, लेकिन महामारी की मौजूदा लहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं की जा सकती। ने 17 मई तक पाबंदियों की मियाद बढ़ा दी है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू होगा, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी 9 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा में भी 17 मई तक सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड 11 मई से 18 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने सोमवार से 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 16 मई तक प्रभावी रहेंगी।